नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार कर द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। इस समय बड़ी खबर लेकर आपके साथ जुड़े हैं। दुर्घटना कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा तहसील से आ रही है, जहां वीरवार देर शाम एक इनोवा कार शारदा नहर में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है यह दुर्घटना देर शाम घटी, जब द्रौपदी नाम की एक महिला अपने भाई के घर से जब वापस लौट रही थी, तो महिला की बेटी, भाई के बच्चे एवं कार चालक की नहर में डूबने से मौत हो गई है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि महिला जब देर शाम अपने भाई मोहन चंद के घर अंजनिया से शारदा नहर के रास्ते आ रही थी, तभी कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी और देर शाम होने के कारण वहां पर स्थानीय लोग भी मौजूद नहीं थे, जिससे 5 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से सभी शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के नागरिक चिकित्सालय भेज दिया है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नहर कितनी गहरी है और नहर के पास जब कार नहर की तरफ गई तो उसके निशान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इस दुर्घटना से खटीमा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है और लोग भी शुक्रवार को घटना स्थल पर पहुंचे। तो आइए लिए चलते हैं सीधा आपको तस्वीरों की। आज आई भी कर रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं।